गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। एडवांटेजेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ब्रांडिंग की टू द मैन्युफैक्चरर। सबसे पहला, बिल्ड्स अप रेपुटेशन एंड इमेज। एक जो ब्रांड है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने में, जो पब्लिक का माइंड है उसमें अपने प्रोडक्ट को पोजिशन करने में, एक इमेज पब्लिक के माइंड में क्रिएट करने में, जिससे उसकी गुडविल जो है वो भी इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट इज योर हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो प्रोडक्ट की है अगर आप कर रहे हो तो एक ब्रांड नेम के साथ वो इजी हो जाती है। जो कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस होता है ब्रांड नेम से और वो प्रेफर करता है पर्टिकुलर ब्रांड नेम के प्रोडक्ट को यूज करना। देन इजी टू आइडेंटिफाई, ब्रांड नेम अगर आप यूज करते हो तो प्रोडक्ट को कस्टमर जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। देन नेक्स्ट इज योर क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मार्केट। पॉपुलैरिटी जो है एक ब्रांड की वो एक सेपरेट मार्केट क्रिएट करती है प्रोडक्ट के लिए, और वो इसीलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है उस प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स, जिससे जो प्रोडक्ट की मार्केट है वो वाइडन हो जाती है। देन हेल्पफुल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जो एक ब्रांड यूज कर रहा है मैन्युफैक्चरर, अगर वो पॉपुलर हो जाता है और जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करता है कि उसे अपने प्रोडक्ट मिक्स को एक्सपैंड कर सकता है, तो वो सेम ब्रांड नेम के अंडर डिफरेंट जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जो ब्रांड नेम है लक्स, वो जब हम सोप्स की बात कर रहे हैं वो पॉपुलर हो गया, तो जो कंपनी है उसने लक्स का जो बाथिंग शैम्पूज हैं वो इंट्रोड्यूस किए, तो जो बॉडी वॉश है वो इंट्रोड्यूस किया, तो सेम ब्रांड को आप डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जिससे जो आपका नए प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन है वो इजी हो जाती है। देन इज पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स विद द पर्टिकुलर ब्रांड। जब आपका एक पॉपुलर हो गया है ब्रांड, तो जो प्रोड्यूसर है वो एलिमिनेट कर सकता है मिडल मैन को, और जो कस्टमर है उसके ज्यादा क्लोज आ सकता है, जिससे जो आपका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम हो जाता है। देन नेक्स्ट इज योर बिल्ड्स प्रोडक्ट लॉयल्टी। एक जो प्रोडक्ट है वो हेल्प करता है कस्टमर की लॉयल्टी गेन करने में, और जो प्रोडक्ट है उसके लिए जो कस्टमर की जब लॉयल्टी जो है वो बन जाती है, तो वो रिपीट परचेज करता है सेम प्रोडक्ट का, जिससे आपकी जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट इज योर मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल। ब्रांडिंग हेल्प करती है इन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल ओवर दी मार्केट। अगर ब्रांड आपने अच्छे से कंट्रोल किया है तो आप प्राइस, क्वालिटी और जो अदर फीचर्स हैं प्रोडक्ट के उसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बेटर प्राइस फॉर दी प्रोडक्ट। जब कंज्यूमर को एक ब्रांड पसंद आ जाता है तो वो उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होता है। देन नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रमोशन। जो ब्रांड है वो हेल्प करता है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में और प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करने में फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर्स, और ये जो डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट है जब वो पॉपुलराइज हो जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, तो आप कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो, और जो आपके प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं इन केस ऑफ पॉपुलर ब्रांड वो भी कम हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू द मिडल मैन। मिडल मैन का मतलब है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीलर्स, जैसे होलसेलर, रिटेलर्स आप यूज कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, जो बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर्स हैं जनरली जब परचेज करते हैं तो वो ब्रांड नेम का नाम बता के फिर परचेज करते हैं, तो अगर कंज्यूमर किसी ब्रांड नेम के बारे में नहीं जानता है तो वो इजीली कन्विंस आप उसे कर सकते हो पॉपुलर ब्रांड प्रोडक्ट्स को दिखाकर। देन नेक्स्ट इज योर नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। जैसे जो आपकी डिमांड है फेमस ब्रांड के लिए वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, और जो कस्टमर है वो परचेज करता है प्रोडक्ट को उसके ब्रांड नेम से, तो जो नीड है मिडल मैन की वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसे जो प्रोडक्ट है उसे एडवर्टाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक है उस पर आपका
कम एक्सपेंडिचर आता है. देन नेक्स्ट इज योर लेसर रिस्क, क्योंकि डिमांड पॉपुलर ब्रांड्स की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तो जो मिडल मैन है उसे कोई भी रिस्क नहीं है अगर वो स्टॉक रखता है प्रोडक्ट का, और जो अमाउंट ऑलरेडी उसने इन्वेस्ट की है उस ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने स्टॉक में रखने की, वो इजीली रिकलेक्ट कर लेता है. और इसके एडिशन में जो प्राइसेस हैं पॉपुलर प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के, वो भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, तो जो रिस्क है मिडल मैन का वो कम हो जाता है. नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन गुडविल. जो मिडल मैन है वो अपने स्टॉक में पॉपुलर ब्रांड प्रोडक्ट्स को रखता है, तो जिससे जो उसकी रेपुटेशन है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी गुडविल भी इंक्रीज होती है. देन नेक्स्ट इज योर हेल्पफुल एंड सेलिंग प्रोसेस. जो वाइडली पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं उनका जो सेलिंग प्रोसेस है वो भी ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, कस्टमर उसके बारे में जानता है, तो जो मिडल मैन है उसे जो दूसरे सेपरेट वर्क्स होते हैं जैसे वेट करना या मेजर करना या पैकिंग करना, वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, तो सिर्फ डिस्प्ले करके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसे सेल कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन प्रॉफिट. जब गुडविल जो बिजनेस की है, जो प्रोडक्ट है बिजनेस का, वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू यूज ऑफ ब्रांड नेम, तो जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज होती है. जो प्रॉफिट है मिडल मैन के वो इंक्रीज होंगे क्योंकि सेल्स इंक्रीज होगी, और जो पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. देन नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो है आपकी वो रिड्यूस हो जाती है. आपको स्पेशल सेलिंग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है मिडल मैन को, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसको ऑलरेडी जो ब्रांड है उसके बारे में पता है, सिर्फ ब्रांड नेम का नाम लेकर वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, जिससे जो आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कम हो जाती है. देन क्विक मनी प्रोडक्ट्स, ये मनी की बजाय मूविंग प्रोडक्ट यहाँ पर यूज होगा वर्ड. जो ब्रांडिंग है वो हेल्प करती है मिडल मैन को क्विक मूविंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने में, कि क्विक मूविंग प्रोडक्ट्स का मतलब है कि वो प्रोडक्ट्स जिनके डिमांड ज़्यादा हैं और जो ईजिली फटाफट सेल हो रहे हैं. तो बाय ब्रांड नेम जो प्रोडक्ट है अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है, तो जो मिडल मैन है उसे ईजिली पता चल जाएगा कि किसका स्टॉक मुझे ज़्यादा रखना है और किस ब्रांड का स्टॉक कम रखना है, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो प्रोडक्ट है किसकी सेल्स ज़्यादा हो रही है. देन नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू द कंज्यूमर. फर्स्ट इज इजी आइडेंटिफिकेशन. ब्रांडिंग से जो है हेल्प मिलती है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, उसे डिस्टिंग्विश करने में फ्रॉम द डिफरेंट जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे. तो जो टाइम और एफर्ट है कंज्यूमर का वो सेव हो जाता है जब वो शॉपिंग करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि वो ब्रांड नेम से इजीली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है. देन नेक्स्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट. जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो हमेशा अपनी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसे इम्प्रूव करता रहेगा, क्योंकि तभी जो कस्टमर है उसके प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस जो है पे करने के लिए रेडी होगा. देन नेक्स्ट इज योर प्राइस स्टेबिलिटी. जो प्राइस है स्टैंडर्ड ब्रांड्स का वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, क्योंकि जो क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग कस्टमर को सर्टेनिटी रहती है कि अच्छी क्वालिटी ही होगी अगर वो ब्रांड है. तो जो प्राइस है जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा चार्ज कर सकता है और वो उस प्राइस को स्टेबल ही रखेगा, जो यूजुअली उसके ऊपर जो प्रोडक्ट है प्रिंटेड होता है. नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्टेटस वैल्यू. अगर आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो, कस्टमर ब्रांड यूज़ कर रहा है, तो उसका तो वैसे ही स्टेटस इंक्रीज हो जाता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन रहती है जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है जो किसी सुपीरियर और प्रेस्टिजियस ब्रांड का है. देन इज गारंटेड क्वालिटी. जनरली गारंटी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा ही निकलेगा, इस चीज़ की एक तरीके से आपको श्योरिटी दी जा रही है. तो जो ब्रांड है वो लीगल प्रोटेक्शन भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा देता है अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्योंकि एक क्वालिटी की गारंटी आप एश्योर करवा रहे हो कस्टमर को. देन नेक्स्ट इज हाई क्वालिटी पैकिंग. जो पैकिंग होती है प्रोडक्ट्स की, जो स्टैंडर्ड ब्रांड्स होते हैं उनकी हमेशा हाई क्वालिटी की होती है, और जो ब्रांड नेम है और जो अदर रेलेवेंट फीचर्स हैं प्रोडक्ट के वो पैकिंग के ऊपर ही प्रिंटेड होते हैं. तो जो पैकिंग है इन प्रोडक्ट्स की बहुत ही अट्रैक्टिव, कन्वीनियंट और ड्यूरेबल होती है. देन नेक्स्ट इज ईजी शॉपिंग.
ये डिस्टिंग्विश करता है प्रोडक्ट को, ब्रांड नेम आपका, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे, और जिससे जो कंज्यूमर है उसे हेल्प होती है इजीली उसे आइडेंटिफाई करने में, और उसका जो शॉपिंग का टाइम है वो भी कम लगता है. देन नेक्स्ट इज योर इजी टू लॉज कंप्लेंट एंड मेक क्लेम्स. अगर जो कंज्यूमर है वो फाइंड आउट करता है कि जो आपका ब्रांड है वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहा है, या जो ब्रांड है उसका मिसयूज अगर करके कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर सेम ब्रांड के अंदर आपको कम क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप ब्रांड के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो अगेंस्ट द मार्केटर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट, इन केस जो उनका प्रोडक्ट है वो आपकी जो डिमांड्स है, जो उन्होंने क्लेम्स डिक्लेयर किए हैं कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, वो उसे फुलफिल नहीं करता है. तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ब्रांडिंग के. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.